जाएगा। वो सब अभी ऑनलाइन पे देखे ना, ये चैप्टर सुबह हो चुका है ना। Now, आज हम लोग मिक्सचर्स ऑलरेडी सारा करवा दिया है, आज हम लोग करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन से क्या होता है एलिगेशन पहले वो समझेंगे, बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे। एलिगेशन किस किस तरह के क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जा सकता है और इसको करने का जो तरीका है वो हम विल डू। ओके, देखो एलिगेशन में क्या होता है कि आपको एक ए दिया जाता है और आपको एक बी दिया जाता है, एक सी दिया जाता है, और यहाँ जो आप माइनस करते हो बड़े में से छोटा करना है चीपर और डेरर। ओके, नाउ तो आप सी माइनस बी और ए माइनस सी करते हो, ये जो चीज होती है ये होता है रेशियो, रेशियो वन, और ये जो होगा वो होगा रेशियो टू। जैसे कि इस बात का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको समझने की कोशिश करना, कि 1000 रुपी प्रिंसिपल है, कितना 1000 रुपी प्रिंसिपल है, इसका 40% पैसा, इसका 40% पैसा आप 20% इंटरेस्ट पे एक साल के लिए दे रहे हो, है ना? 40% पैसा 20% इंटरेस्ट पे दे रहे हो, तो ये 40% पैसा 20% इंटरेस्ट पे दे रहे हो एक कंडीशन, तो फिर 60% बचेगा अभी यहाँ, वो आप 40% पे दे रहे हो, कितने पे? 40% पे। तो आप यहाँ ये देखो 1000 का 40% कितना होता है, तो 400 रुपए आप 400 रुपए को आप 20% प्रॉफिट में दे रहे हो, कितने में? तो 400 का 20% कितना होता है? 80 रुपए, है ना? तो यहां बंदा कितना कमाएगा? 80। 1000 का 600 कितना होता है? 60%, 600 होता है। 600 का 40% कितना? 240। तो 600 पे बंदा कितना कमाएगा? 240। अब आपको यहां तो चीजें क्लियर है, अगर मैं आपको ये बात हटा दूं, मैं अगर तो आपने गौर किया एक बात, इधर कितना कमाया इसने, इधर कितना कमाया, टोटल कितना कमा लिया? 320। तो उसने 1000 रुपए पे कितना परसेंट कमा लिया? 1000 रुपए पे अगर 320 इंटरेस्ट मिला उसको, तो उसने एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ओवरऑल? 32% ओवरऑल कमाया। तो जो ओवरऑल चीज आ रही है ओवरऑल, वो होता है सी, वो होता है सी। देखो कैसे, आप ए की जगह क्या रखोगे? ए कितने परसेंट इंटरेस्ट पे गया था, वहां देख के बताओ। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैं ए की जगह क्या लिखूंगा? 20। बी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गया? 40। ओवरऑल कितना मिला बंदे को? 32। अब आपने क्या करना है, आपने
यहां बड़ा कौन है, तो 40 माइनस 32 करना, कितना आएगा 8, और यहां कितना आएगा 12। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो कितना आएगा 2:3। अब मैं आपसे मैं सिर्फ इतना यहां बोलता हूं आपको कि आपको इतना बता रहा हूं टोटल रुपए कितने थे, 1000 रुपए थे टोटल रुपए कितने थे। अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि 20% पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो रुपए कितने थे, है ना, जो 20% ब्याज पे जो पैसा दिया वो उसका प्रिंसिपल कितना था, अपने को अभी पता है क्योंकि मैंने बता दिया है, वो 40% था मतलब वो 400 था। लेकिन जब पता नहीं होगा तो हम इसको यूज करेंगे। अब कैसे, 2 और 3 कितना, 5 किसको डिवाइड करेगा, 1000 रुपए को, है ना। एक यूनिट कितने की, कितना आया 200 रुपए। एक यूनिट कितने की आ रही है, इसके पास कितनी यूनिट्स हैं, तो 200 × 2, इसका मतलब 20% 400। इसके पास कितनी यूनिट है, यानी 600 रुपया 40%। क्लियर है, इसी को एलिगेशन कहते हैं, इसी को एलिगेशन कहते हैं। मतलब आपको इसमें पता है क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको देंगे, ये गिवन होता है ज्यादातर, ये गिवन होता है और ये गिवन होता है, ठीक है। इजी वाले क्वेश्चन में 3 गिवन होता है, आपसे पूछते हैं रेशियो बताओ, ये टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं। टाइप 2 में इसी का टाइप 2 होगा, बोलेंगे रेशियो के साथ साथ बोल देंगे नंबर्स बताओ, क्या बताओ, फिर आपको नंबर्स बताने पड़ेंगे कितना 20% वाला कितना था। और तीसरे में तो आपको ये वाली क्वांटिटी गायब कर देंगे, बोलेंगे ये बताओ बाकी सब दे देंगे। क्लियर हुआ, तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करते, लिख लो इसको डिटेल में। ऑनलाइन समझ में आ गया क्या, जरा कंफर्म करना मुझे।
ऑनलाइन पीपल। हाँ सर समझा, ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। हो जाए तो बोल दो, आगे चलेंगे लिखकर। तुम्हारे दोपहर में भी लेक्चर रहते थे? क्या पढ़ा रहे? मेडिकल नहीं, अभी मॉडर्न था। ऑनलाइन लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। Shall I go ahead? आगे लिखें? यस सर। आप एक क्वेश्चन लिखें सब लोग। अ पर्सन हैज टू सॉल्यूशंस, अ पर्सन हैज टू सॉल्यूशंस ऑफ शुगर। With 30% and 50%, with 30% and 50% concentration respectively, in what proportion should he mix two solutions to get 45% concentration in the resulting mixture? In the resulting mixture. चलो मुझे जरा क्वेश्चन बोलना सिद्धेश। रुक जाओ, अ पर्सन, धीरे धीरे बोलना, मैं लिख लू। अ पर्सन हैज टू सॉल्यूशंस ऑफ शुगर, हाँ, विद 30% एंड 50% respectively, in what proportion sir 1:3 should, क्या हो गया sir? 1:3 आया क्या आंसर? रुको जरा, ना क्वेश्चन, in what proportion should he mix two solution to get 45% in mixture, resulting mixture. चलो ये है ना, क्या आंसर है? बच्चों वाला क्वेश्चन सर 1:3 बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला आंसर एकदम। अपने को क्या बोला जा रहा है? एक ए है, एक बी है, बीच में सी है। ए कितना दिया है? 30% है ना, 30% नहीं लिखेंगे, 50, और मिक्स ये कितना है? 45. नाउ सर वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज हो गए,
नहीं आ रहा, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? अभी सर सही आ रहा है, बीच में रुक गया था। तो कुछ नहीं करना है, बोर्ड में देखो माइनस करेंगे 50 माइनस 45 1:3 रेशियो मिलाएंगे। इतनी बेसिक सी बात है। अगर लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि जो पहला वाला मिक्सचर है, पहला वाला सोल्यूशन है, वो चालीस लीटर है। पहला वाला फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो 40 लीटर है, तो टोटल सोल्यूशन कितना लीटर है? पहला सोल्यूशन कहाँ है? 160। भाई ये एक यूनिट कितने के बराबर? टोटल यूनिट कितनी है? चार। चार इंटू 40। क्लियर है? लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। डन। यस सर, हो गया। एक मिनट। वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। A shopkeeper has 50 kgs of rice. A shopkeeper has 50 kg of rice. He sells a part of it. He sells a part of it at 20% profit and the rest at 40% profit. He sells a part of it at 20% profit and the rest at 40% profit. If he gains 25% on the whole, if he gains 25% on the whole, whole matlab overall,
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच पार्ट. Good. ऑनलाइन आंसर आया किसी का? 37.5 और 12.5. गुड, 37.5 और 12.5, बहुत इजी सी चीज है. ठीक है, आपके पास दो मिनट और हैं, बचे हुए लोगों के पास जल्दी खत्म करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर बाय चांस नहीं आया तो बोर्ड पे देख लो. क्वेश्चन बोल देना. टोटल 50 केजी है, वो बाद में देखेंगे. He sells a part at 20% profit. कुछ पार्ट है उसका, पार्ट वन बोल दो, है ना, 20% प्रॉफिट में गया है. सेकेंड पार्ट 40%. आगे 25% ओवरऑल मिला है. ठीक है, तो अपने को पता है, अपने रेशियो निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा. थ्री टू वन, तो तीन और एक कितना, चार कितने को डिवाइड करेगा, एक पार्ट कितने का, 12.5 केजी. पहला पार्ट कितना होगा, दूसरा पार्ट आ गया समझ में. ठीक है, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसको थोड़ा बदल देते हैं। क्वेश्चन बोलना जरा, क्वेश्चन लिख देता हूं, बोलो। तो 50 केजी की जगह आप क्या लिखोगे? 100 केजी, ठीक है। ही सेल्स अ पार्ट ऑफ इट एट, पहला क्या था? तो यहाँ 20% ही है, ओके, 20% प्रॉफिट। आगे नहीं, अब सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो उसने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, सेकंड जो पार्ट है वो बेच रहा है 5% लॉस पर, किस पर? और ओवरऑल प्रॉफिट जो उसको हो रहा है, होल कह लो या ओवरऑल कह लो, वो हो रहा है 10%। कितना? 10%। तो आपको भी इसमें भी क्या बताना है? क्वांटिटी बतानी है ईच। Take your time, I want answer. Loss है इस बार, loss है। Hint दे देता हूँ आप लोगों को, profit plus होता है। Loss को लिखोगे उसको minus करके लिखना। क्या लिखोगे? देखिए कौन बताएगा। गुड, 20% प्रॉफिट पे कौन सा है? कितना किलो? 20% प्रॉफिट पे कितना केजी? 20% रॉन्ग, अब तो सिर्फ बचा हुआ ही बोलेंगे फिर। क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे आता है, 20% प्रॉफिट वाला कितना किलो था? बताऊंगा बताऊंगा मैं डिटेल में, कौन है? कौन है, कितना है? अब सुन लिया होगा तो बता दोगे ना कितना, ठीक है? माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ऑनलाइन आंसर आया किसी का? ऑनलाइन माइनस फाइव एंड टू। माइनस फाइव और टू क्या चीज है ये? आपको ये बताना है कितना क्वांटिटी, कितने किलो 20% प्रॉफिट में बिके और कितने केजीज 5% लॉस पर गया है, ये बताना है। ऑनलाइन किसी का आंसर? 60-40। यस, 60-40 इज द आंसर। चलो मैं बताऊं, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन 100 लिखा है, सॉरी 100 केजी है,
पहला पार्ट जो है फर्स्ट, सेकंड, ये कितने पहला जा रहा है 20% प्रॉफिट प्लस 20, ये लॉस है ना सेकंड माइनस 5, ओवरऑल क्या है 10% प्रॉफिट तो प्लस 10 है ना, लॉस और वो आ जाए तो माइनस और प्लस लगाना पड़ता है। अभी बड़ा कौन है, 10 बड़ा है कि ये बड़ा है, तो क्या करेंगे अपन 10 माइनस माइनस 5, क्या करेंगे 10 माइनस माइनस 5, फिर 20 माइनस 10, 10 माइनस माइनस 5 कितना हो गया 10 प्लस 5, ये कितना हो गया 10, ये 15 और ये 10, रेशियो क्या आया, रेशियो 3:2, अब ब्रेक कर सकते हैं 3:2 आ गया है, तो व्हाट वी विल डू, 3 और 2 कितना 5, किसको डिवाइड करेगा, कितना एक यूनिट कितने की 20 kg, तो 3 वाला जो ये वाला है ये एक्चुअल में 20% प्रॉफिट में गया है, तो 3 × 2 3 × 20, ये 60 किलो जो राइस, क्या राइस है ना, 60 किलो का राइस 20% प्रॉफिट में बेचा है, और इधर 40 केजी राइस 5% लॉस में गया। अंडरस्टूड, आ गया समझ में सबको, ऑनलाइन कंफर्म करो। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लो इसको। जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग लिख लो तब तक। सुधा बॉट 80 आर्टिकल्स, सुधा बॉट 80 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, शी सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, she sold some of them at 8% profit and the remaining at 12% loss, and the remaining at 12% loss, resulting in overall profit of 6%, resulting in overall profit of 6%. Find the number of, find the number of items, find the number of items sold at 8% profit. Sold at 8% profit. ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। 72 है। Yes. ऑप्शन है, आंसर देखेंगे यही होगा।
क्या आंसर है? क्या आंसर आया? करो करो जल्दी करो। ऑनलाइन किसी का आंसर आया एक जन के अलावा? सॉल्व करो इसको, मैं इसको जल्दी नहीं करने वाला। यस, कितना आया? 72। यस, बाकी लोग कंफर्म करो। हाँ पक्का बता दो आंसर। बाद में बता देना, कोई टीचर फालतू में शहीद हो जाएगा। ठीक है, सर पे गिरेगा वो। कौन सा बता रहे हो? ये और वो कोई बैलेंस कर लेगा मुझे, गिरेगा तो नहीं, डाउन हो जाएगा। ना देखो इसको कैसे करना है, वो 80 आर्टिकल तो बाद में देखेंगे, तो टोटल बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला जो था, पहला मतलब उसको जो पार्ट वन और पार्ट टू कर दिया उसने, दो पार्ट में कर दिया। पार्ट वन उसने 8% प्रॉफिट में दिया है ना, प्लस 8, और ये -12 होगा। और क्या है ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? +6। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 माइनस माइनस 12 है ना, 6 माइनस माइनस 12। हाँ मैं तो पूरा लिखूंगा ना धीरे धीरे, अभी तो आप सीख गए हो, जब आप सीखे नहीं तो आप पहला भी नहीं बता पा रहे थे, है ना। तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सीखे हैं ना। 6 फिर अगला क्या होगा, 8 माइनस 6 2 है ना, कितना हुआ ये 18:2, यानी
नाइन इज टू वन, ठीक है। अब नाइन इज टू वन है, टोटल कितने हैं? 80 है, 9 और एक 9 प्लस 1 कितना 10, 10 किसको 80 को, तो एक यूनिट कितने की 8। आपसे कौन सा पूछा था 8% पे ना, ये 8% वाला ये है, इसकी इसकी यूनिट्स कितनी है, तो 9 इंटू 8 72 आर्टिकल्स बेचे गए हैं कितने 8% प्रॉफिट, और 8 आर्टिकल बेचे गए 12% लॉस। क्लियर, लिख लो बाकी लोग। राइट फास्ट, डन सर। क्वेश्चन ऐसा देंगे कि आप जिसको एक मिनट के अंदर कर सको, है ना, उनको आपका एग्जाम लेना है, आपसे रिसर्च नहीं करवानी है ना, रिसर्च करवानी होगी तो बोलेंगे पीएचडी कर लो। अब वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि जो 5 से 6 मिनट का हो जाए, और अगर कोई 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले उसको छोड़ दो। ये भी एक आर्ट होती है, जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन में 90 छोड़ दो 10 कराओ, है ना, वो कला मैंने सीख ली छोड़ने की, आर्ट ऑफ स्किपिंग। आपको पहले 90 कर लेने, बचे हुए 10 को फिर से एक बार अटेम्प्ट करना है। 3 राउंड में एग्जाम दिया जाता है, पहली बार में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सेकंड राउंड में जब 20 मिनट बचे हों तो बचे हुए 10 क्वेश्चन को देखो, उसमें से 15 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, फिर भी 5 मिनट बचे हों, 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो शायद एक दो ऑप्शन से रिटर्न ट्रायल मेथड से कर दो, है ना, ऐसे होता है। पर शुरू में एक क्वेश्चन पर पीछे चिपक के बैठ गए कि इसको तो आज छोड़ के करके ही मानूंगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं नहीं मानूंगा तो आज सॉलिड करके मानूंगा, तो आदमी एग्जाम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। कीप योर ईगो असाइड एंड गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 35% ऑफ गुड्स, 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%। Of goods were sold at profit of 65%. 35% goods होंगे, 100% total होता है, उसमें 35% को कितने पे बेचा? 65% profit में. While the remaining were sold at 10% loss. While the remaining were sold at X percent, X, X, Y, Z वाला X, X percent loss, ठीक है, इस बार नहीं दे रहे हैं वो, मैंने कहा था ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप जैसे जैसे डिफिकल्ट होते जाते हैं ऊपर की B, ये X कौन सा है इस वक्त, B, A, B, C बनाते हैं ना अपन, इस बार X कौन है, B है। If the overall loss is 12%, 12%, if the overall loss is 12%, find the value of X
आपके पास 5 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? डेसिमल में आंसर है, सर 13.25। नहीं, थर्टीन पॉइंट टू फाइव। हाँ सर, टेक योर टाइम, अब तक जो आपने सीखा है इसमें यूज करो। हाँ, कोई आंसर बता रहा है? Tell me. नहीं आ रहा किसी का भी? करो करो सॉल्व करो, इतना जल्दी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये भी बता दूंगा तो फिर आप लोगों ने इतना जो लर्न किया है कंसेप्ट वही लगाना है, कंसेप्ट वही लगाना है। अच्छा एक बात बताओ, हिंट देता हूं आप लोगों को। यहां पर आपने सबसे पहले क्या लिखा ऊपर, उसका मतलब क्या है? अपने को अपने को तो प्रॉफिट चाहिए ना, वो सब छोड़ दो। प्रॉफिट कितना है इधर पहले वाले पार्ट का? ए ए क्या लिखा आपने, ए क्या है? गुड। ए कितना है और बी कितना है? लॉस है ना वो, तो माइनस एक्स। क्लियर है? और फिर ओवरऑल क्या है? माइनस ट्वेल्व है। अभी आप जब कट करोगे नीचे, वो आपने बनाया एरो कट माइनस करके जो लिखोगे, तो नीचे का रेशियो आता है ना, रेशियो आता है कि नहीं आता है? क्या हम रेशियो पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये जो 65% प्रॉफिट में जो चीज डाली है वो कितना परसेंट है? 35। ये 35 है तो दूसरी कितनी होगी? और 35-65 का रेशियो नीचे लिख सकते हैं ना, 7/13। हाँ, 7/13 और बाकी लिख डालो फिर। चलो चलो करो, जिसने 7 और 13 बताया वो मुझे आंसर भी बताए। यू आर ऑन राइट ट्रैक, टेल मी। मैं ये कह रहा हूं
ठीक है, आप ये जो चीज है ये बराबर लिखा आपने, आपने माइनस ट्वेल्व है ना, तो आपने गलत लिखा। आप देखोगे माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस एक्स, माइनस एक्स है ना, फिर आप इधर क्या लिखोगे 65 माइनस माइनस ट्वेल्व, ये कितना हो गया माइनस ट्वेल्व प्लस एक्स, यानी ये एक्स माइनस बारह है, और ये कितना 65 और 12 कितना 77 हो गया। अब ये देखो ये एक्स माइनस ट्वेल्व ये कितना परसेंट पार्ट था 35%, ये कितना था 35-65 का रेशियो कितना आता है 7 और 13, ये वाला पार्ट कितने के बराबर है 7 के बराबर, ये वाला पार्ट कितने 13 के बराबर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 12 अपॉन 77, x माइनस 12 कितने के बराबर 7 और ये 77 कितने के बराबर 13, इसको सॉल्व करो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो ऑनलाइन आपने भी सुन लिया होगा मैंने क्या बताया, बताओ अभी आंसर। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, क्वेश्चन बोल देना सिद्धेश। 35% of goods were sold. रुक जाओ, कितने पे? Yes. By the remaining were sold at X loss, X plus loss. आगे? If the overall cost is 12%. Find the value of x. कितना है? 53.5 है। Yes, 53.5 है। आपने किया कैलकुलेट? बताओ कितना आ रहा है, कंफर्म कराओ। सभी लोगों को कैसे करना है बोर्ड पे देख लो भाई। 35% पार्ट ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 35% है, ये कितने परसेंट प्रॉफिट पे जा रहा है प्लस 65 प्रॉफिट है तो प्लस 65, ये 35% है तो सेकंड पार्ट कितना होगा 65%, ये कितने पे जा रहा है x परसेंट लॉस यानी माइनस x, ओवरऑल क्या है लॉस है कितने का माइनस 12। आप ये भी बात जान लो ये 35% है, 35 और 65 का रेशियो क्या होगा नीचे अगर जब हम माइनस करेंगे तो यहां जो चीज आएगी वो रेशियो ही तो आती है, मैंने बताई थी ना रेशियो होता है वो, तो 35 और 65 का रेशियो कितना आएगा 7 और 13, तो ये जो चीज जो भी होगी वो 7 के बराबर होगी और ये जो चीज जो भी होगी किसके बराबर होगी 13 के बराबर होगी। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे माइनस 12 माइनस माइनस एक्स, सही है, और इसको जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 65 माइनस माइनस 12, तो ये जो चीज हो गई ये हो गई आपकी, ये कितनी हो गई थी x माइनस 12 ना, देख के बताओ आपने सॉल्व नहीं कर पाया फाइनल आंसर कितना है, नहीं रॉन्ग, ये कितना हो गया 77 है ना, 65 मतलब 65 प्लस 12 हो जाएगा तो कितना हो गया, अच्छा ये 13 के बराबर। अब इसको लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x माइनस 12 अपॉन 77, ये वाला पार्ट और वाला पार्ट, x माइनस 12 कितने के बराबर 7 के बराबर और 77 कितने के बराबर 13, ये कितना होगा 13x माइनस 156 इज इक्वल टू, ये कितना बराबर है क्या 539, कितना ये यहां जाएगा
13x is equal to 539 plus 156. कितना हो? 6 और 9, 15, 1, 6 और 3, 9, और 1 और 5, 6. तो 13x is equal to 695, x is equal to 695 by 13. देखते हैं क्या होगा. 13 5 था, 13 3 था, बोर्ड पर, बोर्ड पर, थर्टीन सिक्स था, 53.46 हो रहा है. वन प्लेस ऑफ डेसिमल पूछा है तो कितना हो जाएगा? 53.5. आया समझ में? आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाए इसको? हाँ, उसने मना कर दिया. तो ऐसे गलती नहीं करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन खुद एक टॉपिक है अपना, है ना. माइनस प्लस ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि नहीं, लिख लो सब लोग. किसको समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे, कंफर्म करो समझ में आया क्या. एंड एवरीवन, सर वो सेकंड पार्ट बताया ना, लाइन के वो वाला, कौन सा वाला? लेफ्ट में, ये वाला नहीं सर, लेफ्ट वाला पूरा लाइन के वो साइड. हाँ, ये देखो ऐसा रहता है ना, यहाँ पर जो भी कुछ आने वाला है वो रेशियो आने वाला है. मैंने बताया था, जो आपने फर्स्ट पेज लिखा होगा, तीन सेक्शन लिखे होंगे, उसमें मैंने क्या बताया था, ये चीज क्या होगी, जो भी माइनस करके जो चीज आने वाली है वो रेशियो होगी. सर फर्स्ट वाले में लिखा है, तो हमने तो माइनस करके बनाया x माइनस 12, हमने क्या बनाया x माइनस 12. तो इसका मतलब x माइनस 12 कितने के बराबर है? 7 बराबर है. लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कह सकते x माइनस 12 इक्वल टू 7 नहीं कर सकते, यहाँ रेशियो में लिखना पड़ता है. x माइनस 12 अपॉन 77, जो कि मैंने यहाँ लिखा x माइनस 12 अपॉन 77. तो x माइनस 12 कितने के बराबर? और 77 और 13. और ये दोनों कहां से आए? ऊपर से आए. ऊपर से कहां से? 35. ऊपर से मतलब कहां गया अपना? ये रहा 35% और 65. इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 और 13. तो आप समझ जाओ ये 7 कितने के बराबर है. क्लियर हुआ? यस सर. और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, चलो इस ऐसे कुछ और क्वेश्चन आ जाए लिख लो तो मैं इसका एक फॉर्मूला दे देता हूँ, पर फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना मत, आप इन बातों को ऐसे ही याद रखो. माइनस मैं देता हूँ, लिख लेना आप उसको. जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. चलो लिखो. एक मिनट, टी कॉस्टिंग रुपी, टी
कॉस्टिंग रुपीज 136 किलोग्राम टी कॉस्टिंग रुपीज 136 पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विद टी कॉस्टिंग रुपीज 136 पर किलोग्राम 136 रुपए पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विद टी कॉस्टिंग रुपीज 141 पर किलोग्राम इन द रेशियो 2:3 इन द रेशियो 2:3 टी कॉस्टिंग रुपीज 136 पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विथ टी कॉस्टिंग रुपीज 141 पर किलोग्राम 141 रुपए इन द रेशियो 2:3 इन द रेशियो 2:3 इन द रेशियो 2:3 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर चलो करो हेलो इतना नहीं नहीं चलो इसको सॉल्व करो ये वाला मैं इतना जल्दी नहीं बताने वाला इजी क्वेश्चन है 139 कितना 139 यस गुड एलिगेशन के बाद ऐड कर दिया एलिगेशन नहीं लगाया तो कैसे कर रहे हो ऐड भी करके करोगे तो भी आंसर आएगा